कृष्णा हेगड़े ठीक यही पेच फंसा है महायुति में। कोई स्टेटमेंट नहीं कि अगर जीत कर आए, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि 100 जीत गए तो हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, शिंदे मुख्यमंत्री होंगे या नहीं इस पर चुप्पी है, खामोशी है, सन्नाटा है। गरिमा जी पहले तो मैं बता दूं, ये तीन लोग साथ में मिले हैं, एक तो अनहोली अलायंस है, उद्धव जी तो पहले बीजेपी अजीत पवार को लेके अतुल और साजिद, अजीत पवार को लेके अतुल और साजिद, आप दोनों को पता है सबसे बड़ा सवाल के मंच पर हम कोशिश करते हैं कि एक के बारे में एक बोले। अतुल आप जानते हैं, तो कृष्णा हेगड़े बोल रहे थे ना, देखिए एक तो बिन कैप्टन का टीम है, ये इनका ये जमता नहीं कि कौन कौन से कुर्सी पे बैठेगा, कौन पहला भाषण देगा, कौन आखिरी भाषण देगा, इस पे भी इनकी सहमति नहीं होती है। तो उद्धव ठाकरे जी के तो नाम पे बहुत दूर की बात है। साजिद की आवाज थोड़ा सा कम कर दीजिए, देखिए ऐसा है, साजिद की आवाज थोड़ा कम कीजिए तो है। देखिए ऐसा है कि सांगली में इन्होंने कैंडिडेट दिया उद्धव जी ने, और आज आपके शो पर कर रहे हैं, इनको शांत कराइए प्लीज। बिना सांगली में उद्धव जी ने ऐसे ही एक कैंडिडेट दिया बिना इनको पूछ के, और कांग्रेस वालों ने ही उद्धव ठाकरे जी का कैंडिडेट को हरा दिया, बिचारी की डिपॉजिट चली गई। तो ऐसे इनकी हालत है, कौन पहला भाषण देगा, कौन कौन से कुर्सी पे बैठेगा, इनके ऊपर झगड़ा, इनका झगड़ा होता है, तो कौन इनका कैप्टन बनेगा ये तो बहुत दूर की बात है। आपका कैप्टन कौन होगा कृष्णा हेगड़े? नहीं, ये हमारे जो इलेक्शन है, हम एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, और उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए इलेक्शन होने दो, स्पेकुलेशन पे मैं जवाब नहीं देता हूँ, लेकिन एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाएगा। यानी कि चुनाव के बाद डाउट है कि बीजेपी 40 विधायकों वाले नेता को मुख्यमंत्री बना गई थी गरिमा जी 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, अब वो नहीं होगा। नहीं सुनिए ना, आपने इनको बिना टोके बोलने का मौका दिया, जरा मुझे भी बोलने देंगे तो अच्छा लगेगा। कहिए सर प्लीज। स्टेट का इलेक्शन और लोकसभा का इलेक्शन दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, और ये सिर्फ 2% से आगे है और 36 सीट से आगे है असेंबली सीट से। हाँ। और 8 इनके ही विधायक, कांग्रेस के विधायक अतुल लोंडे जी के खास मित्र लोग ने क्रॉस वोटिंग किया है, इनको मालूम है इनकी सत्ता फिर से आ नहीं रही है। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में जो बोल रहे थे बाबा, वो नेवी ने कमीशन किया है, नेवी ने वो पुतला बांधा है, आप जरा जानकारी लेकर पहले तो आइए। और दूसरी बात है, मुझे पता है आप ज्यादा उत्सुक होते हैं, लेकिन बीच बीच में मत बोलिए और झूठ मत बोलिए। तो नेवी ने ये कमीशन किया है ये स्टैचू को, और नेवी ने कहा है कि भाई हमने 2.5 करोड़ रुपया जो राज्य सरकार से लिया था, और कृष्णा हेगड़े मुख्यमंत्री के सवाल पर फंस जाते हैं तो स्टैचू पर चले जाते हैं। कृष्णा हेगड़े सुनिए ना, सुनिए भाई, सच बात क्या? देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं मुंबई में रास्ता है, कृष्णा जी पहली दफा आपका गठबंधन अपने टारगेट को कम करता हुआ दिख रहा है, पहली बार। नहीं नहीं बिल्कुल, ये तो अटकले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम तीनों भाई हैं, हम जो भी है हमारा फॉर्मूला तय है, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में ही हम इलेक्शन लड़ेंगे, उसमें दो राय नहीं है। तीसरी बात यह है, चुनाव के बाद वाली स्थिति में दो राय है? नहीं बिल्कुल नहीं है, देखेंगे ना तभी। अभी इन्होंने कहा कि इन्होंने क्या किया, 2.5 साल के इनके कार्यकाल में कोविड में स्कैम किया, 100 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार लेडीज बार से इन्होंने उठाया, डेवलपमेंट का काम इन्हें रुकाया, जो डेवलपमेंट के कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने उससे इन्होंने पैसा लिया, उद्योगपतियों के घर के नीचे बॉम्ब इन्होंने रखा, ऐसे इनकी कार्यकाल थी। मनसुख किरण की हत्या हुई, पालघर में साधुओं की हत्या हुई, ये इनका कार्यकाल है। और हमारे यहाँ पर देखिए भाई, लोकसभा में घट गए ना कृष्णा हेगड़े, एक लड़की 41 पर था एनडीए और घटकर कितने पर रह गया, 17 पर रह गया। आपकी सबसे बड़ी पार्टी 28 पर लड़ी और 9 सीटें जीती, तो है
ये लोकसभा का सेटबैक है जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हम 100 सीटों का टारगेट हमारा, पिछली बार 106 जीते, 100 का टारगेट सेट कर रहे हैं और ये पहली बार हो रहा है बीजेपी के हालिया इतिहास में। 100 का टारगेट जीतने के लिए सेट कर रहे हैं, लड़ने के लिए नहीं भाई। 106 पिछली बार जीते, इस बार 100 का टारगेट सेट कर रहा है। देखिए गरिमा जी, जब हम 2014 में, एक मिनट कृष्णा जी, जब हम 2014 में सत्ता में आए थे तो कोई टारगेट नहीं सेट किए थे। अभी उन्होंने कहा कम से कम 100, तो पिछली बार हम 105 लड़े थे, 105 जीते थे, जो कि 70% हमारा स्ट्राइक रेट था, जो सर्वाधिक था। इस बार अभी तक तय नहीं हुआ है कि कौन कितनी सीटें हो रहे हैं, इस बार भी कम से कम 70% हमारा स्ट्राइक रेट रहेगा। अच्छा मैं बड़े इत्मीनान से सुनिए ना, ये बीजेपी के हालिया इतिहास में मैं पहली बार देख रही हूं। लोकसभा की ही आप तुलना अगर कर रहे हैं तो 303 जीते थे 2019 में, नारा कितने का दिया, 370 का सिर्फ बीजेपी का। ये पहली बार हो रहा है महाराष्ट्र में कि 106-105 पिछली बार जीते और नारा दे रहे हैं 100 जीतेंगे। वो इसलिए क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग तय नहीं हुआ है। आपने हमारे तरफ से किसी को भी कहा, आपने अजीत पवार को देखा है क्या कहते हुए कि आप हमें, आप मुझे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बना दीजिए वरना ये अलायंस टूट जाएगा? नहीं, टारगेट ही घटा दिया ना बीजेपी ने।